CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला कविता मंजरी। मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी की ये कविता खड़ा हिमालय बता रहा है। मित्रों, इस कविता में कवि ने पर्वतराज हिमालय की भव्यता और सुंदरता का वर्णन किया है और विशेषकर यह बताया है कि जिस प्रकार हिमालय हर परिस्थिति में अडिग बना रहता है, उसी प्रकार हमें भी सशक्त बनना चाहिए। तो आइए मित्रों, अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति। खड़ा हिमालय, हिमालय, हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। खड़ा हिमालय, हिमालय, हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। खड़ा हिमालय, हिमालय, हिमालय। भिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नभ के तारे। भिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नभ के तारे। खड़ा हिमालय, हिमालय, हिमालय। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। खड़ा हिमालय, हिमालय, हिमालय। मित्रों, कविता के इस गायन को सुनकर आपके मन में भी कुछ लिखने, गाने, गुनगुनाने की भावना अवश्य जगी होगी। तो फिर क्यों ना आप भी एक छोटी सी प्यारी सी कविता लिखें और उसे गाएं और गुनगुनाएं। खड़ा हिमालय बता रहा है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी की इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति। विषय संयोजन रविंद्र कुमार, ध्वनि अंकन बटीलैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, ध्वनि संपादन, निर्देशन तथा निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।